नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। साल 2007 में किंग खान यानी शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया, जो हिंदी सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है। फिल्म में शाहरुख की एक्टिंग हो या फिर सपोर्टिंग कास्ट का काम, सबकी जमकर तारीफ की जाती है। फिल्म को आज 17 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसके डायलॉग्स, गाने और सीन्स को आज भी याद किया जाता है। ये समझ लीजिए कि आज भी जब भी कभी इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी टीम या इंडियन फुटबॉल टीम इंटरनेशनल लेवल पर कोई मैच जीतती है तो चक दे इंडिया गाना बजाया जाता है, जो कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस फिल्म की हकीकत तो कुछ और ही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? भाई, मंडी उत्सव और मिस्टर इंडिया जैसी सदाबहार फिल्मों में अपने दमदार काम के लिए जाने जाने वाले एक्टर अन्नू कपूर ने तो चक दे इंडिया मूवी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनने के बाद वाकई एक बार ये ख्याल जाता है कि कैसे हमारे इमोशंस का फायदा उठाकर हकीकत को ठीक उल्टे तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता है। खैर, ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। दरअसल अन्नू कपूर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अन्नू कपूर ने शाहरुख खान की मूवी चक दे इंडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि शाहरुख खान का किरदार कबीर खान सही मायनों में कोच मीर रंजन नेगी पर बेस था। उन्होंने ये भी दावा किया कि फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर शाहरुख के इस कैरेक्टर को मुस्लिम में बदल दिया। उन्होंने साफ सीधे लफ्जों में बताया कि चक दे इंडिया में लीड रोल एक मशहूर कोच नेगी साहब पर बेस्ड है, लेकिन भारत में वो मुस्लिम को एक अच्छे किरदार में दिखाना चाहते हैं और एक पंडित का मजाक उड़ाते हैं। तो एक तरह से अन्नू कपूर ने शाहरुख खान और बाकियों को कम्युनल बताया है। अब अन्नू कपूर के इस कमेंट ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। जहां कई यूजर्स ने अन्नू का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं काफी लोगों ने फिल्म पर इस तरह के कमेंट करने के लिए अन्नू कपूर की जमकर क्लास भी लगाई है। लेकिन असल हकीकत क्या है, चलिए हम कुछ अहम पॉइंट्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई सोर्सेज से ये पता चलता है कि चक दे इंडिया मूवी में कोच कबीर खान का किरदार असल में मीर राजन नेगी की जिंदगी पर ही बेस्ड है, जो 1982 में हुए एशियन गेम्स फाइनल में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। ये मैच पाकिस्तान से था जिसमें इन्हें इंसल्ट सहनी पड़ी थी। ये मैच इंडियन टीम 1-7 से पाकिस्तान के हाथों हार गई थी, जिसका गुस्सा मीर राजन नेगी पर ही निकला था। बहरहाल, फिल्म की आज भी खूब चर्चा होती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म का मेन एजेंडा क्या था? हकीकत में तो ये फिल्म कूट कूट कर एजेंडावाद और तुष्टिकरण यानी अपीसमेंट से भरी हुई थी, जिसका एक ही मकसद था, सनातन संस्कृति को नीचा दिखाना और मुसलमानों को विक्टिम के तौर पर दिखाना। चक दे इंडिया फिल्म के स्क्रीन प्ले में जो प्रोपेगेंडा था वो इतनी सफाई से लिखा गया था कि लोग देशभक्ति की भावना में कन्फ्यूज हो गए थे। वास्तव में जिस तरह से कबीर खान के किरदार को सिर्फ मुसलमान होने के लिए टीम से निकाल दिया गया, वो एक तरह से सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने की ही कोशिश थी, जो कि कामयाब भी हुई। इस फिल्म के जरिए फिल्म मेकर ये दिखाना चाहते थे कि मुस्लिम कितने देशभक्त हैं, जिन्हें अक्सर सताया जाता है। ऐसा करके न केवल फिल्म मेकरों ने अपना पर्सनल एजेंडा साधने की कोशिश की, बल्कि रियल फैक्ट से साथ भी खिलवाड़ किया गया। तो इन सब बातों को समझने के बाद लगता है कि अन्नू कपूर ने चक दे इंडिया को लेकर जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं। आप दर्शकों को इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए अपडेट के साथ।